हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यन मार्शल आर्ट। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कैसे आप किसी भी किक से बच सकते हैं, कैसे आप स्लैम किक को डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशन से कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, कैसे अपने अपोनेंट को हिट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, कैसे आप थाई किक को, कैसे आप मिडिल किक को, कैसे आप फेस किक को डिफेंड कर सकते हैं, कैसे उसको रोक सकते हैं, उसके साथ साथ उसको आप कैसे काउंटर अटैक भी कर सकते हैं। आपको हमेशा फोकस रखना है कि आपको हमेशा किक को ब्लॉक करते हुए अपोनेंट को हिट करना है। उससे क्या होगा कि आपका अपोनेंट आपको अगेन बैक हिट नहीं कर सकता। आइए स्टार्ट करते हैं। कभी भी आपका अपोनेंट आपसे हाइट में बड़े हैं या हेल्थ में ज़्यादा हैं तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए अपोनेंट को इतने अच्छे से हिट करना है, उसको इतना अच्छा काउंटर रिप्लाई करना है कि वो अगेन आपको हिट ना कर सके। इसमें देखिए, जैसे अगर आपको कोई कभी भी थाई किक हिट करता है तो उसको आपने कैसे डिफेंड करना है, उसमें आपने एक थाई किक होती है आपकी नी लेवल पे जो आप नी से हल्का सा ऊपर मारते हैं, एक थाई किक होती है आपकी हिप लेवल पे जो हल्का सा हिप से नीचे मारी जाती है। तो पहले आप, जैसे अगर आपको कोई अपोनेंट आपकी नी लेवल पे हिट करता है तो आपको उसको कैसे डिफेंड करना है, देखिए स्टार्ट। ये यहाँ से आपको, यहाँ से ये ब्लॉक करना है, इसको इतने अच्छे से स्पीड में हिट करिए कि आपका अपोनेंट आपको हिट करते टाइम ही सोचे कि आपका डिफेंड ही इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उनका अटैक ही फेल हो जाए। तो इसको प्रॉपर एक बार फिर से देखिए, फुल स्पीड में, यस, इस तरीके से पूरा स्पीड में। इसके बाद आता है कैसे आपने हिप लेवल पे ब्लॉक करना है। उसमें आपको अपनी आगे वाले लेग से, यहाँ से आगे वाले लेग से आपने डिफेंड करना है। ये जो आपका सिन पार्ट है इसको आपने अपोनेंट को हिट करना है। इससे आपने यहां से किक रोकनी है उनको। जब भी आपको कोई अपोनेंट हिट करता है तो जिसका डिफेंस स्ट्रांग होता है तो वो बहुत अच्छे से हिट कर सकते हैं, तो आपका ऑफेंसिव आपका डिफेंस होना चाहिए। तो इसमें जब भी आप ध्यान दें कि प्रैक्टिस करते हैं तो उससे पहले अपने लेग्स की कंडीशनिंग कर लीजिए। कंडीशनिंग बहुत तरीके से होती है जो कि मैं आपको आने वाले कुछ ट्यूटोरियल्स में आपको सिखाऊंगा कैसे आपने इसकी कंडीशनिंग करनी है, लेग्स की, हेड्स की प्रॉपर आप वो कर सकते हैं। तो इसमें पहले आपने थाई किक अगर आपको कोई हिट करता है मिडिल लेवल पे, मिडिल लेवल मीन्स आपकी हिप लेवल पे, तो आपको उसको आगे वाले लेग से कैसे डिफेंड करना है, देखिए यहाँ से ये पूरा, यहाँ से ये इस तरीके, इसको यहाँ से नी को उठाइए और उसके बाद आप करने के बाद, इसको करने के बाद यहीं से पंच हिट भी कर सकते हैं, यहीं से अगेन ये किया, इसको नीचे रखने के बाद, यहाँ से हिट करने के बाद यहीं से आप किक हिट कर सकते हैं प्रॉपर। एक बार फिर से देखिए, यहाँ से 1 2, ठीक है, इस तरीके से। अगर आप काउंटर नहीं करते हैं तो आपका अपोनेंट आपको अगेन हिट करने की कोशिश करेगा, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आपको काउंटर अटैक करना है। इसके बाद आता है मिडिल लेवल के, जो आपकी रिब्स पर, आपके एब्स पर, आपकी बैक पर, कहीं भी हो अपोनेंट हिट करेंगे, तो आपने उसको कैसे डिफेंड करना है। डिफेंड करने के उसमें बहुत से तरीके हैं, आप सिंपल ब्लॉक कर देते हैं, आप पंच कर देते हैं, ये तो बेसिक है, लेकिन आप अपोनेंट को चाहते हैं कि वो आपको दोबारा हिट ना कर सके तो आपको उसको बहुत अच्छे से हिट करना होगा। लाइक जैसे उन्होंने किक किया, यहाँ से ये इसको होल्ड कीजिए, होल्ड करने के बाद आपको उनकी नी देखिए पूरा फ्री है, पूरी चेस्ट फ्री है, फेस फ्री है, आप कहीं भी कोई भी किक कर सकते हैं। तो यहाँ से ये, ठीक है, आप उनकी नी पे, इनर थाई पे अटैक कीजिए कि वो आपको हिट ना कर सके। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप किक को होल्ड करते हैं तो आपने डायरेक्टली होल्ड नहीं करना। अगर आपने डायरेक्टली होल्ड किया ये, तो उनकी किक अगर पावरफुल हुई तो आपकी रिब्स टूट जाएंगी, वो इतनी पावरफुल किक करेंगे कि आपकी रिब्स में लगेगी। तो आपको जब भी डिफेंड करना है तो आपको अपने राइट हैंड से इधर से ब्लॉक करते हुए फिर होल्ड करना है, उनकी किक को रोकते हुए फिर होल्ड करना है। एक बार देखिए, यहाँ से स्टार्ट, ये यहाँ से इस तरीके, इस हाथ से पहले किक को रोकना है, अपनी रिब्स के अंदर किक को नहीं आने देना है। उसके बाद होल्ड करने के बाद आपको टेक्निक एग्जीक्यूट करनी है, यहाँ से पूरा स्पीड में, जितनी स्पीड में कर सकते हैं, उसके बाद अपनी पोजीशन ले लीजिए। इस अटैक के बाद वो आपको दोबारा अटैक ही नहीं कर पाएगा। उसके बाद दूसरा टेक्निक होती है सेम इसी में, आपने कैसे अपनी नी से उनकी इनर थाई में कैसे अटैक करना है, देखिए स्टार्ट। यहाँ से अटैक करा उन्होंने आपको डिफेंड करते हुए, ये यहाँ से इनर थाई में, इनर थाई में भी कर सकते हैं आप, मेन पॉइंट में भी कर सकते हैं, बट वहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप अटैक ना करें, क्योंकि अगर आपके अपोनेंट को ज़्यादा देर लग गई तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी हो सकते हैं, तो वो आप अटैक ना करिए। उसके साथ साथ आप बेसिक अटैक कर सकते हैं जिससे उनको सबक भी आप सिखा सकें और वो आपको अगेन अटैक भी ना कर सकें।
इसके बाद स्टार्ट होता है आप कैसे उनकी अपर थाई को आउटर थाई को कैसे आप ब्रेक कर सकते हो बहुत ही पावरफुल से। तो उसके लिए आपको अपनी एल्बो से अटैक करना होगा। देखिए इसमें कैसे स्टार्ट, ये ब्लॉक किया यहाँ से आने के बाद, ये यहाँ से आपको अपनी एल्बो से फुल अटैक करना है यहाँ से, ठीक है। इसको इतने अच्छे से करिए कि उनको ऐसा पता भी ना चले कि आपने कब हिट कर दिया, ठीक है। एक बार फिर से स्टार्ट, ये इस तरीके से, ये ब्रेकिंग टेक्निक है। इसमें आपको पूरी पावर से स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। जब तक आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होगी, आपके हैंड्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, तब तक आप हिट नहीं कर सकते। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक आती है वो है आप कैसे दूसरे को लेग को ब्रेक कर सकते हैं। तो उसमें आपको अपने लेग से होल्ड करके हिटिंग करनी है, जो कि आपकी लेग अप जाएगी और उनके लेग को आप ब्रेक कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से स्टार्ट, ये होल्ड किया, यहाँ से आपने किक यहाँ मारनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी किक उठा के यहाँ मारनी है, उनकी जो ये जॉइंट है यहाँ से आप ब्रेक कर सकते हैं पूरा उठाने के बाद। बट इसका कोशिश कीजिएगा इसको यूज ना करें, अपोनेंट को आप बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर सकते हैं इससे। इसका जो सेकेंड पार्ट है, आपने उसमें क्या करना है, अपने अपोनेंट को ब्लॉक करना है जिससे वो कुछ भी ना कर सके। आपको हमेशा कोशिश ये करना है कि अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए अपोनेंट को बेबस कर दीजिए। देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ से आपने सेल ब्लॉक किया, इसके बाद आपको अपनी लेग क्रॉस करने हैं यहाँ से, और ये पीछे इसमें आपको वो टैप करने पे मजबूर रहेगा, अपने इस वाले पार्ट से पीछे की तरफ पुश करिए, ठीक है। और ये वाला पार्ट आपका कोशिश कीजिए छोड़िए मत जब तक वो टैप ना कर दे। ये ज़्यादातर MMA के पार्ट्स में, MMA फाइट्स में या रोड फाइट्स में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमेशा इतने अच्छे से प्रैक्टिस करिए कि आप किसी भी अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी भी अपने ग्रुप सर्कल में प्रैक्टिस करते हैं तो चोट ना लगे, और किसी भी अच्छे ट्रेनिंग सेंटर पर भी जाके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट लेवल की आती है वो फेस लेवल, कि अगर आपको कोई फेस पे हिट करता है तो आप उसको कैसे डिफेंड करें। एक जो बेसिक डिफेंड होता है वो नॉर्मल होता है कि अगर किसी ने हिट किया तो आपने सिंपल, ये सिंपल आपने अपने फोर आर्म्स से उसको डिफेंड कर लिया। फोर आर्म्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ ऑलरेडी, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड टेक्निक आती है कैसे आप अपनी ट्राइसेप्स से कैसे उससे ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसका लेकिन ड्रॉबैक बहुत ज़्यादा है कि आपकी पूरी रिब्स ब्लैंक हो जाती है। अगर अपोनेंट आपसे तेज है या उसमें थोड़ा सा भी उसने कॉमन सेंस यूज़ किया तो आपको फेस पे ना हिट करके वहीं से स्पीड में आपकी रिब्स पे हिट कर देगा। तो कोशिश कीजिएगा इसको ना करें, लेकिन एज ए टीचिंग पर्पज मैं आपको ये सिखा देता हूँ कैसे आपने उसको डिफेंड करना है। स्टार्ट, ये यहाँ से पूरा, अगर आपको कोई हिट करता है ये यहाँ से आप इससे ब्लॉक कर सकते हैं, इस वाले पार्ट से फेस पे ना लगने दें। आप एक बार अपोनेंट की किक अपने हाथ पे झेल सकते हैं, लेकिन अगर आपके फेस पे, नोज पे, ईयर्स पे, कहीं भी आपको अगर कोई हिट होता है तो आप उसके बाद फाइट नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने फेस को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हमारा फेस इतना सेंसिटिव होता है कि हल्का सा भी हिट होते ही आप सेंस, आपका सेंस बिल्कुल गायब हो जाता है। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि अपने हाथों से, अपने पैरों से ब्लॉक कर लीजिए, अपने जो आपके वीक पार्ट है बॉडी के उनको डिफेंड करिए। इस वाले ब्लॉक को आप कोशिश कीजिएगा कि अवॉइड कीजिए, बस एज ए लर्निंग पर्पज कभी आप यूज़ कर सकते हैं। बॉक्सिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है, स्ट्रीट फाइट में भी यूज़ हो सकती है ये चीज़ें। इसके बाद आता है इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो है आप कैसे इसको फेस किक को अच्छे तरीके से कैसे डिफेंड कर सकते हैं, उसके बाद कैसे आप अपोनेंट को अटैक कर सकते हैं कि वो आपको दोबारा हिट ना कर सके। इसमें देखिए स्टार्ट, यहाँ से ये पूरा, अगर किसी ने फेस पे हिट किया फुल हिट अंदर लगाने के यहाँ से, ये ठीक है, हल्का सा बॉडी को ट्विस्ट ले लेंगे यहाँ से ब्लॉक, और इस और आराम से भी आप ब्लॉक कर सकते हैं, आप ओपन हैंड से भी ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन आपकी कंडीशनिंग रिलेशनशिप आप पूरा ब्लॉक इतनी पावर से करिए कि अपोनेंट का अटैक भी आप ब्रेक कर सकें। इसके बाद जैसे ही आपने अटैक को डिफेंड किया, उसके बाद आपने काउंटर अटैक कर लिया। काउंटर अटैक में आप क्या करेंगे, आपने अपनी एल्बो से, अपनी एल्बो से अपोनेंट को फेस पे हिट कर सकते हो, चेस्ट पे हिट कर सकते हो, नोज पे हिट कर सकते हो, नेक पे हिट कर सकते हो, ठीक है। देखिए कैसे स्टार्ट, यहाँ से आने के बाद ये रिब्स पे भी, फेस पे भी वापस, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक और एडवांस टेक्निक होती है, जैसे ही उनकी किक आई आप अपोनेंट को नीचे गिरा कर भी हिट कर सकते हो। स्टार्ट, यहाँ से आए आपने ये पूरा, आप अपोनेंट को गिराते हुए भी उनको बहुत तरीके से अटैक कर सकते हो।
दूसरे पे आप हावी हो जाओ, ये मत सोचिए कि वो आपके आपके हेल्थ से ज्यादा है, आपके हाइट से ज्यादा है। सारी चीजें डिपेंड होती है आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपकी कंडीशनिंग के ऊपर। तो हमेशा जब भी आप मार्शल आर्ट सीखें तो किसी अच्छे ट्रेनिंग सेंटर में, अच्छे ट्रेनर्स की गाइडेंस में और अच्छी वे ऑफ लर्निंग से, फुल डेडिकेशन से आप मार्शल आर्ट सीखिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे आर्यन मार्शल आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन पे क्लिक करिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टेक्निक पे तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँगा। और कुछ हमारे फ्री सेशंस जो आर्यन मार्शल आर्ट टेम्पल में फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं तो उनको बुक करने के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और हमारे ऐसे ही वीडियोस को लाइक करते रहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्यन मार्शल आर्ट।